अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ डॉक्टर मुजना नज़ीर, रेजिडेंट ऑफ ENT एट घुर्की ट्रस्ट टीचिंग हॉस्पिटल। एंड आज हम डिस्कस करेंगे प्रोसीजर राइनोप्लास्टी। हमारे हेड ऑफ़ डिपार्टमेंट एट ENT घुर्की ट्रस्ट टीचिंग हॉस्पिटल डॉक्टर अथर अदनान। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह। सर, जैसे कि आपको पता है कि आजकल के ज़माने में खूबसूरती पर हम लोग बहुत ज़्यादा कंसिडरेशन करते हैं, तो जिसका मेन फोकस हमारे पास आजकल होता है नाक। तो नाक की खूबसूरती के लिए हम कौन कौन से प्रोसीजर्स करा सकते हैं? जी, थैंक यू वेरी मच। नाउअडेज दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इशू। ये एक बड़ा हॉट टॉपिक भी है और लोगों का कंसर्न भी है। जैसे कि खूबसूरती हमारे ज़िंदगी का और खूबसूरत नज़र आना हमारे ज़िंदगी का एक बहुत अहम कंपोनेंट होता है, और इसमें जो चेहरा है ये इंसान का, ये सबसे पहले जो विजिबल होता है, और उस पर भी जो नाक है उसके ऊपर लोगों की नज़र सबसे पहले पड़ती है। तो खूबसूरत नाक एक खूबसूरत चेहरे का बहुत अहम कंपोनेंट होता है। नाक की खूबसूरती को टेम्परेरी लोग अडॉप्ट करने के लिए जब वो अपनी स्नैप्स वगैरह शेयर करते हैं या स्नैपशॉट लेते हैं तो उसमें फ़िल्टर्स भी यूज़ करते हैं ताकि उनका नाक ज़्यादा खूबसूरत नज़र आए, जिससे पूरे चेहरे की खूबसूरती बढ़ जाती है। तो अगर आप मुस्तकिल पैमाने पे अपने नाक को खूबसूरत बनवाना चाहते हैं तो इसके लिए एक प्रोसीजर होता है राइनोप्लास्टी, और आम लोग इसको नोज़ जॉब के नाम से भी जानते हैं। ये नोज़ जॉब एक ऐसा प्रोसीजर है जिसमें हम नाक की रीशेप करते हैं, नाक की टेढ़ेपन को डील करते हैं, और नाक की खूबसूरती को बढ़ाने के लिए सारे उसके जो प्रोसीजर के पार्ट्स हैं वो उसमें हम करते हैं। और हमारे हॉस्पिटल में ये प्रोसीजर बड़ी कामयाबी से अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग कर रहे हैं। हमारे पास प्रोफेशनल टीम है डॉक्टर्स की, जो हम सब मिलकर इस काम को बड़े अहसन तरीके से सर अंजाम दे रहे हैं। सो इट मीन्स सर के इस प्रोसीजर राइनोप्लास्टी के बाद हमें फ़िल्टर्स की ज़रूरत नहीं पड़ेगी बेसिकली? बिल्कुल जी, इंशाल्लाह ऐसा अच्छा नाक बनेगा कि फ़िल्टर्स वाले भी परेशान हो जाएंगे। सो सर, एक क्वेश्चन ये है कि हु इज़ द आइडियल कैंडिडेट फॉर दिस काइंड ऑफ सर्जरी? ऐसे कौन से अफराद हैं जो ये सर्जरी उनको करानी चाहिए इस चीज़ के लिए? डॉक्टर मजना ने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया है। ये जो आइडियल कैंडिडेट जो है जी, वो तो वो लोग हैं जिनकी ग्रॉस नेजल डिफॉर्मिटी है। इसका मतलब है कि जिनकी नाक की हड्डी बहुत ज़्यादा टेढ़ी है, वो लोगों को नाक की रीशेपिंग या नोज़ जॉब का सबसे ज़्यादा फ़ायदा होता है, क्योंकि उनकी अच्छी खासी टेढ़ी हड्डी जो है उसमें वाज़े फ़र्क नज़र आता है और वो ठीक हो जाती है। लड़कियां खासकर जिनको शादी में प्रॉब्लम हो रही होती है, कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स होते हैं जिस वजह से लोग रिजेक्ट कर देते हैं, तो नाक की शेप की वजह से भी बहुत सारे ऐसे हमारे पास पेशेंट आते हैं जिनको ये भी इशू हो रहा होता है। तो वो लोग जो है आइडियल कैंडिडेट हैं जो इस सहूलत से फ़ायदा हासिल कर सकते हैं। सर, एक क्वेश्चन है जो हर मरीज़ आके हमारे पास करता है, वो ये है कि जो कि हमारे केस में के बाहर ये जो प्रोसीजर है ये कॉस्ट करता है लाखों में। सो हमारे पास घुर्की ट्रस्ट टीचिंग हॉस्पिटल में इसकी क्या कॉस्ट होगी? जी, घुर्की ट्रस्ट टीचिंग हॉस्पिटल, जैसे कि नाम से पता चल रहा है, ये एक ट्रस्ट हॉस्पिटल है। यहाँ पर ओवरऑल तमाम प्रोसीजर की बहुत कॉस्ट इफेक्टिव हैं। तो इसी तरह ये राइनोप्लास्टी या नोज़ जॉब, ये लाखों में हर प्राइवेट हॉस्पिटल में इसकी जो एक्सपेंसेस हैं वो काफ़ी ज़्यादा हैं। यहाँ पर हम चंद हज़ार में इसका जो है ये प्रोसीजर बड़ी अहसन तरीके से जो है ना ये कर रहे हैं। तो जो लोग अफोर्ड नहीं कर सकते जो महंगे हॉस्पिटलों में ये नोज़ जॉब करवाना, वो लोग तो बहुत आसानी से, उनके पास एक फैसिलिटी है, वो हमें विज़िट कर सकते हैं, अपना मुआयना करवा सकते हैं और ये प्रोसीजर जो है परफॉर्म करवा सकते हैं। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा वो ये है कि हाउ लॉन्ग डज दिस सर्जरी टेक, ये सर्जरी का कितना टाइम ड्यूरेशन है, कितना टाइम लग जाता है, और इसका फिर रिकवरी पीरियड कितना है? राइट, अच्छा, ये जो सर्जरी का टाइम होता है ये कोई फिक्स नहीं होता किसी भी सर्जरी का, बट रफली ये कुछ घंटे लग जाते हैं, 3 से 4 घंटे भी लग सकते हैं। डिपेंड करता है कि कितनी ग्रॉस डिफॉर्मिटी है, पेशेंट का नाक कितना टेढ़ा है, और मैनी अ टाइम्स ये होता है कि बाहर से जितना नाक टेढ़ा होता है, नाक के अंदर जो हड्डी है वो भी बहुत टेढ़ी होती है। तो इसको बड़ा, ये डेलिकेट स्ट्रक्चर होते हैं, इसलिए हमें बड़ा एहतियात के साथ इसको करते हैं।
तो 3 से 4 घंटे का टाइम यूजुअली इतना एक सर्जरी के लिए रिक्वायर्ड होता है, और इसकी हीलिंग का जो टाइम है यूजुअली 10 दिन के अंदर पेशेंट अपने काम पे जा सकते हैं, वो ज्वाइन कर सकते हैं। लेकिन जो नाक की, चूँकि पूरे स्ट्रक्चर्स को हम इसमें डील करते हैं, नाक की हड्डी को भी, ये नरम मुर्कनी हड्डी जो होती है उनको भी हमने डील करना होता है, तो जो स्वेलिंग है उसको मुकम्मल रिजॉल्व होने में कुछ महीने लग जाते हैं, जिसमें नाक की मुकम्मल शेप, जो नई शेप है वो डेवलप होती है। अच्छा सर, एक ये है कि अक्सर लोगों की मिसकंसेप्शन होती है कि उनको ऑपरेशन कराने से नाक पे निशान रह जाएंगे, सो आपका इसके बारे में क्या कहना है कि निशानात रहते हैं कि नहीं रहते? एक तो ये है कि नाक की ये जो सर्जरी है उसमें डिपेंड करता है कितना उसका प्रोसीजर हमें करना पड़ रहा है, क्या उसकी नाक की जो बाहर ऊपर वाली हड्डियां हैं इनको भी हमें दोबारा से रीशेप करने की ज़रूरत पड़ रही है। ऐसी सूरत में बहुत छोटा सा एक होल होता है, वो हम इनर साइड से भी कर सकते हैं, और उसमें कोई बहुत ज़्यादा बाहर स्कारिंग का इशू नहीं होता। जहाँ तक इंसियन का ताल्लुक है तो इंसियन भी बहुत छोटा सा होता है जो कि नाक के इस पार्ट पे होता है, और उसमें भी कोई बहुत ज़्यादा स्कारिंग का इशू नहीं होता। लेकिन अगर थोड़ी बहुत स्कार होए भी तो उसके लिए क्रीम्स अवेलेबल होती हैं, वो पेशेंट इस्तेमाल करते हैं, तो उनकी हल्की फुल्की स्कारिंग भी वो पता भी नहीं चलता कि कोई सर्जरी भी हुई थी। सर, तो इस राइनोप्लास्टी की एज लिमिट क्या है? व्हाट इज़ द मिनिमम एज जो एक पेशेंट की रिक्वायर्ड है हमें राइनोप्लास्टी करने के लिए? राइनोप्लास्टी की जो मिनिमम एज है वो कोई 17-18 साल, वो उसकी वजह ये होती है कि इस एज तक नाक की और पूरे चेहरे की जो बोन्स हैं वो ग्रो करती रहती हैं, तो मैक्सिमम जो है वो 17-18 साल की एज तक मैक्सिमम ग्रोथ हो जाती है, इसलिए मिनिमम जो एज है वो हम इस एज में हम करते हैं 18 साल या 17 साल से पहले इस सर्जरी को, क्योंकि एक बड़ा ऑपरेशन है और उस एज से पहले फिर हम इसको परफॉर्म नहीं करते हैं। और सर, इसकी पोस्ट ऑप केयर में क्या क्या आ जाता है राइनोप्लास्टी की? राइनोप्लास्टी, जैसे कि नाम से भी पता चल रहा है कि ये प्लास्टिक ऑपरेशन है नाक की हड्डियों का, नाक की शेप का, उसमें सबसे इम्पोर्टेंट जो केयर है वो ये है कि नाक को किसी किस्म की चोट से बचा के रखना होता है कुछ हफ्तों के लिए, ताकि जो उनकी रीशेपिंग है वो प्रॉपर स्टेबलाइज हो जाए, नाक की हड्डियाँ और नाक की जो कार्टिलेजेज हैं वो सारी अपनी जगह पर, और नाक की जो स्किन है वो प्रॉपर हील हो जाए। तो कुछ हफ्तों के लिए ये केयर करना ज़रूरी है कि कोई कोई चोट ना लगे नाक के ऊपर। जी, सो इट्स अ वेरी इजी प्रोसीजर, आप बिल्कुल ही इमीडिएटली अपनी रेगुलर लाइफ में आना शुरू हो जाते हैं। बिल्कुल जी। सर, अक्सर पेशेंट्स आते हैं जिनकी नाक में कोई डिफॉर्मिटी नहीं होती, टूटी नहीं होती, उनको सीधेपन टेढ़ेपन का भी कोई इतना इशू नहीं होता। मसला होता है कि जी नाक मोटी है, नाक फीनी है, तो साथ उनकी ख्वाहिश होती है कि जी एक सेलिब्रिटी की तरह मेरी नाक दिखनी चाहिए, तो इज़ दैट फैसिलिटी अवेलेबल एज वेल? क्या ये पेशेंट्स भी ऑप्ट कर सकते हैं राइनोप्लास्टी के लिए? यूजुअली ऐसे पेशेंट जिनके नाक की कोई डिफॉर्मिटी ग्रॉस नहीं होती है या बहुत माइनर सी डिफॉर्मिटी होती है, और वो यंग लोग हैं और वो चाहते हैं कि किसी सेलिब्रिटी जैसा नाक हो, तो ऐसी फैसिलिटी तो मौजूद है, उसमें तो कोई ऐसी चीज़ नहीं है। लेकिन ये थोड़ा सा नाक की इस सर्जरी में ज़्यादा सक्सेसफुल होने के लिए हमें वो कैंडिडेट को चूज़ करना होता है, कि बहुत माइनर डिफॉर्मिटी में हम ये सर्जरी ऑफ़र यूजुअली नहीं करते। अंटिल अनलेस के पेशेंट का कोई ग्रॉस इशू है तो उसमें इसके सक्सेस के ज़्यादा अच्छे रेट होते हैं, क्योंकि जो माइनर डिफॉर्मिटी है उसमें पेशेंट की सेटिस्फेक्शन वो 100% अचीव करना, दैट इज़ यू नो दैट इज़ अ डिफ़िकल्ट जॉब। तो इसलिए ऐसे पेशेंट थोड़े से डिफ़िकल्ट पेशेंट होते हैं, उनको हम कन्विंस करते हैं, अगर उनको वाकई में ज़रूरत है तो फिर डेफिनेटली वो सेलिब्रिटी जैसी नाक जो है उनकी हम कोशिश करते हैं कि बिल्कुल उनकी ख्वाहिश के मुताबिक नाक जो है वो हम बना सकें। सर जी, फिर सर, और इस प्रोसीजर के साइड इफ़ेक्ट्स हम क्या क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं? यूजुअली तो इस प्रोसीजर के कोई ऐसे साइड इफ़ेक्ट तो नहीं है, लेकिन अगर पेशेंट केयर नहीं करते हैं, जैसे पोस्ट ऑप में पेशेंट को विज़िट करना होता है हमें ऑपरेशन के बाद वीकली या फोर्टनाइटली, जैसे हम उसको स्केड्यूल देते हैं, उस दौरान में पेशेंट के नोज़ के अंदर से कुछ क्लीनिंग वगैरह करने की ज़रूरत होती है, कोई एडहियन वगैरह ना बन जाए, वो हमें देखना होता है कि नाक के अंदर जो स्पेसिस हैं वो आपस में मिल ना जाएँ, तो अगर वो फॉलोअप नहीं करते
तो उनकी एडियन बनने के चांसेस होते हैं और उस तरह से सक्सेस हमें फिर नहीं मिलती है। तो पेशेंट का फॉलोअप जो है वो बड़ा इम्पॉर्टेंट है। आफ्टर सर्जरी उनको विज़िट करना होता है, शुरू में वीकली और उसके बाद फोर्टनाइटली, फिर 3 मंथ के बाद। तो इस तरह पूरा स्केड्यूल हम उनको गाइड कर देते हैं। थैंक यू सो मच सर फॉर योर टाइम। आई होप कि दिस वुड हेल्प मेनी पीपल आउट देयर। अगर आप लोग भी इस फैसिलिटी का यूज़ लेना चाहते हैं तो प्लीज़ डू कम टू द ENT डिपार्टमेंट एट घुर्की ट्रस्ट हॉस्पिटल फॉर अ फिल्टरलेस लाइफ। थैंक यू सो मच।